नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जॉन सिन्हा की नई गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे कि आखिर जॉन सिन्हा की ये नई मुस्लिम गर्लफ्रेंड कौन है और इसका पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के निशान पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देर की आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्मी सितारों और रेसलिंग की दुनिया अब एक जैसी बन चुकी है। फिल्मी अदाकारों और रेसलिंग के सितारों की आए दिन रोज हम किसी अफेयर या एक से अधिक शादियों की खबरें सुनते रहते हैं। काफी सारे फिल्मी अदाकार और रेसलर ऐसे भी हैं जिनकी मल्टीपल शादियां या अफेयर्स रह चुके हैं। WWE सुपरस्टार जॉन सिन्हा का नाम भी उन्हीं फिल्मी अदाकारों और रेसलर्स में शामिल है। WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक जॉन सिन्हा के इंडिया में तो लाखों फैंस है ही, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। जॉन सिन्हा ही शायद WWE के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार है जिनका नाम दुनिया का हर छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति आसानी से जानता होगा। WWE सुपरस्टार जॉन सिन्हा एक ऐसे रेसलर रहे हैं जिनका कई सारी महिलाओं के साथ अफेयर्स रह चुका है। फिर चाहे वो रेसलिंग रिंग में हो या फिर रिंग से बाहर, जॉन सिन्हा लड़कियों से रिलेशन रखने के मामले में दूसरे किसी भी रेसलर से कहीं ज्यादा आगे रहे हैं। इस दौरान जॉन सिन्हा का सबसे ज्यादा किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा तो वह पूर्व डिवास चैंपियन रही निक्की बेला थी। इन दोनों के बीच लव स्टोरी साल 2013 से शुरू हुई थी जो 2018 तक चली। इस बीच जॉन सिन्हा ने निक्की बेला को रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर प्रपोज भी किया था। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच शादी की खबरें भी आ रही थी, लेकिन शादी से कुछ ही महीनों पहले इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया और ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। निक्की बेला से ब्रेकअप होने के बाद जॉन सिन्हा WWE से कुछ महीनों के लिए दूर चले गए और अपने हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। इसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट के दौरान ही जॉन सिन्हा की लाइफ में एक नई लड़की ने एंट्री की। आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जॉन सिन्हा की ये नई गर्लफ्रेंड एक शरीफ घराने की मुस्लिम लड़की है। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिन्हा की लाइफ में कदम रखने वाली ये लड़की मुस्लिम धर्म से बिलोंग रखती है और इस लड़की का नाम है शेह सरियात जादे। अब बात करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है। इन सब के अलावा बहुत कुछ शेह सरियात जादे के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं शेह सरियात जादे की। तो वह एक प्रोफेशनल टाइप की लेडी है। कहने का मतलब यह है कि वह एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी है और वह एक बहुत बड़ी इंजीनियर भी है। इसके साथ साथ वह एक टेक यूट्यूबर भी रह चुकी है जिसमें वह अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग का काम किया करती थी। शुरू से उनका टेक्नोलॉजी के काम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके साथ साथ शेह सरियात जादे की सबसे खास बात यह है कि इनका रेसलिंग और फिल्मी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। शायद आने वाले समय में वह हमें जॉन सिन्हा की वजह से फिल्मों या रेसलिंग रिंग में जरूर दिखाई दे सकती हैं। जॉन सिन्हा और शेह सरियात जादे की पहली मुलाकात साल 2018 में उस समय हुई जब जॉन सिन्हा अपनी हॉलीवुड मूवी प्लेइंग विद फायर की शूटिंग कर रहे थे। शेह सरियात जादे वहां पर फिल्म की शूटिंग देखने आई थी और उसी दौरान शेह ने जॉन सिन्हा से मुलाकात की। पहली मुलाकात में ही जॉन सिन्हा ने शेह सरियात जादे की खूबसूरती और उसमें देखकर उन पर फिदा हो गए और शेह को प्रपोज कर दिया, और शेह सरियात जादे ने भी उसी समय जॉन सिन्हा को हां कर दिया। और आप ही कैसे ना करती भैया, क्योंकि जॉन सिन्हा बड़े एक्टर है, रेसलर है, हीरो है, और शेह इतना बड़ा मौका हाथ से कैसे जाने देती। आपको बता दें कि शेह सरियात जादे एक आजाद ख्याल रखने वाली मुस्लिम लड़की है। शेह अपने कल्चर और रिलीजन को ज्यादा फॉलो नहीं करती। वह मानती है कि इंसानियत दुनिया की सबसे बड़ी व खूबसूरत चीज होती है, कोई रिलीजन या कल्चर नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं और हम सभी एक जैसे हैं। शेह सरियात जादे सुंदर व खूबसूरत तो है ही, इसके साथ साथ वह एक मेहनतकश लड़की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कनाडा के अल्फा टेक्नोलॉजीज कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पर कई सालों तक काम किया, और इसके बाद अब इस वक्त वह एक अविरीजन नाम की कंपनी में बतौर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। शेह का जन्म साल 1989 में कनाडा में हुआ था। इनकी माताजी एक कैनेडियन सर्जन डॉक्टर है जिनका संबंध कनाडा से है, लेकिन शेह सरियात जादे के पिताजी का संबंध पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। शेह के जन्म लेने के कुछ ही सालों बाद शेह के माता और पिता के बीच संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लग गए और कुछ ही महीनों बाद शेह के माता पिता के बीच तलाक हो गया। शेह की माताजी भी एक आजाद ख्याल रखने वाली महिला थी और अपनी जिंदगी आजाद तरीके से जीना चाहती थी और अपने बच्चों की भी परवरिश इसी प्रकार से कराना चाहती थी, और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर महिलाओं को इस तरह घूमने फिरने की आजादी नहीं होती है, उन्हें सीमित मात्रा में काम करने की इजाजत होती है, और शायद शेह की माताजी इस टाइप की बंदिशों में नहीं रहना चाहती थी और इसी कारण उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और कनाडा में जाकर बस गई। शेह सरियात जादे की उम्र अभी 31 साल है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे वो फिल्मों में आती है या फिर रेसलिंग की दुनिया में। अभी तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जॉन सिन्हा अपनी नई गर्लफ्रेंड शेह के साथ काफी खुश है और ये दोनों ही पावर कपल ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों ही कपल जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं और सभी रेसलिंग फैंस भी यही चाहते हैं कि जॉन सीना अब जल्द से जल्द शादी कर लें। हम भी जॉन सीना और शेख की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।